नमस्कार मित्रों, मैं जितेंद्र पांडे आप सबका उत्कृष्ट ऐप पर स्वागत करता हूं, जहां आप देख पा रहे होंगे सुपर टेट के लिए यानी कि सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जीवन कौशल, शिक्षण कौशल और बाल विकास से जुड़े हुए जो 35 स्तंभ के प्रश्न आते हैं और वहां से आपने पेड कोर्स लिया है उसको आप देख पा रहे होंगे। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हम लोग अभिप्रेरणा के विषय में बात कर रहे थे, प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन के विषय में बात कर रहे थे, जहां हमने सीखा था कि किसी कार्य को आरंभ करना, कार्य को जारी रखना और अपने लक्ष्य तक ले जाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं, जिसमें मैंने बताया था कि ये डेफिनेशन जो गुड के अनुसार है। वास्तव में हमने ये भी चर्चा किया था कि अभिप्रेरणा का तात्पर्य होता है कि जीवन में जो कुछ भी कार्य करते हैं, हमने चर्चा किया था कि हम अपने जीवन में मानव संपूर्ण जीवन में जितना भी कार्य करता है उन समस्त कार्यों के पीछे उसके कहीं ना कहीं अभिप्रेरणा होती है। यदि एक मनुष्य के जीवन के पीछे से अभिप्रेरणा वाले हिस्से को समाप्त कर दिया जाए तो उस मनुष्य का जीवन बिल्कुल स्थिर हो जाएगा, या हम कह लें कि वह स्थूल बन जाएगा, वह मूर्ति बन जाएगा, प्रतिमा केवल रह जाएगा, उसके ना तो कोई अपेक्षाएँ रह जाएंगी, ना वह जीवन में कुछ नया कार्य कर पाएगा, ना ही वह कोई तरक्की कर पाएगा, यानी कि सारे के सारे जितने भी उसके चर हैं वो समस्त प्रकार के चर स्थिर हो जाएंगे केवल और केवल अभिप्रेरणा मात्र को निकालने से ही। इसीलिए हम लोग चर्चा करते हैं कि इनको मोटिवेट कर दिया, इनको मोटिवेट कर दिया। वास्तव में मोटिवेशन एक प्रोसेस है और इस मोटिवेशन प्रोसेस के अंदर कई सारी चीज़ें आती हैं। तो आप लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि हमने अभिप्रेरणा के अर्थ को पढ़ा था, अभिप्रेरणा कैसे हमारे अंदर जन्म लेती है और विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अभिप्रेरणा की परिभाषा क्या है, इसके संदर्भ में भी हम लोगों ने चर्चा किया था। क्योंकि हमने कहा था कि अभिप्रेरणा एक पूरी प्रक्रिया है तो उसके अंदर कुछ और बिंदु आते हैं, जैसे अभिप्रेरणा के अंतर्गत आप पढ़ेंगे प्रेरक क्या होते हैं, मोटिव्स क्या होते हैं, आप ये पढ़ेंगे। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि मोटिव्स के प्रकार कितने होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। आप ये भी पढ़ेंगे इसी अभिप्रेरणा के अंतर्गत कि अप्रेरणा कितने तत्व होते हैं और फिर हम लोग पढ़ेंगे अप्रेरणा के सिद्धांत कौन से हैं। इतनी सारी चीज़ों का अध्ययन करने के बाद हमारा ये टॉपिक अप्रेरणा का समाप्त हो जाएगा, जो कि सामान्यता है तो बाल विकास से जुड़ा हुआ, लेकिन सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी कि सुपर टेट में ये जीवन कौशल के अंतर्गत रखा गया। इसका मतलब कि जीवन को चलाने के लिए, जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम जिन स्किल्स का, जिस कौशलों का प्रयोग करते हैं उसमें एक अप्रेरणा भी आती है कि जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसकी नितांत आवश्यकता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रेरक क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि प्रेरक क्या होते हैं। मैं आपको बता दूं, जिसे हम प्रेरक कह रहे हैं वास्तव में अंग्रेजी में इसको मोटिव्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मोटिव्स कहते हैं। कुछ और चीज़ें मैं बता दूं, जैसे आप चाहें तो इसको चालक भी कह सकते हैं, अभी आगे डिफाइन करूंगा। यही आपका चालक होता है जिसको आप प्रेरक कहते हैं, यही आपका प्रणोद होता है। क्या होता है? इसी को आप प्रणोद भी कहते हैं। चालक को यहाँ ड्राइव कहते हैं, आप क्या कहते हैं? ड्राइव कहते हैं। और यहाँ भी आप क्या कहते हैं? ड्राइव कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि चाहे प्रेरक कह लें, चालक कह लें, प्रणोद कह लें, या इसको हम अंतर्नोद कह लें। क्या कह लें बेटा? अंतर्नोद कह लें। ये सभी नाम जो है एक ही के संदर्भ में प्रयोग किए जाते हैं, या हम कह लें कि किसी कोई एक विषय वस्तु है जिसके संदर्भ में इन समस्त नामों का प्रयोग किया जाता है। आज हम लोग सबसे पहले तो समझेंगे कि प्रेरक वास्तव में होते क्या हैं और कैसे इनके प्रकार बताए गए। अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछ लेता है, कोई आपसे परिभाषा पूछ लेता है कि प्रेरक किसको कहेंगे, तो हमेशा याद रखना बेटा, वह कोई भी वस्तु, क्या लिखेंगे? वह कोई भी वस्तु, व्यक्ति या घटना, वह कोई भी व्यक्ति, वस्तु या घटना जिसके प्रभाव में, क्या? जिसके प्रभाव में हम कार्यशील रहते हैं, जिसके प्रभाव में हम कार्यशील रहते हैं। आपको याद होगा जब हम लोग मोटिवेशन पढ़ रहे थे तो तीन चीजों की मैंने चर्चा की थी, क्या? कि कार्य को आरंभ करना, है ना, कार्य को आरंभ करना, कार्य को जारी रखना और कार्य को अपने लक्ष्य तक ले जाना। इन तीनों चीजों के संरक्षण को ही हम क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा कहते हैं। तो उसी में से एक ये आपका प्रेरक है जिसको आप मोटिव या चालक कहते हैं। ये बताता है कि वह कोई भी वस्तु, व्यक्ति या घटना जिसके प्रभाव में हम कार्यशील रहते हैं, या हम कह लें जिसके प्रभाव में हम कार्य को जारी रखते हैं। क्या कहते हैं? कार्य को जारी रखते हैं। अगर हम लगातार एक्टिव हैं, कार्य को हम कंटिन्यू किए हुए हैं, तो इसके पीछे एक, केवल और केवल एक चीज़ उत्तरदायी होता है, वो क्या? हमारे मोटिव्स होते हैं, हमारे चालक होते हैं, जिनको हम प्रेरक कहते हैं। लाइक भूख, प्यास,
निद्रा, ये सब क्या, ये प्रलोभ है आपके, ये चालक हैं। जैसे भूख लग जाती है तो भूख लगने के बाद हम तब तक अपने आप को सक्रिय रहते हैं जब तक हमारी भूख शांत नहीं हो जाती, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोला जाएगा प्रेरक। ठीक है, अब यहाँ बेटा ध्यान देने वाली बात ये है आपकी कि प्रेरक के कितने प्रकार होते हैं, अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, कि प्रेरक किसे कहते हैं। अब यहाँ से हम लोग आगे पढ़ते हैं कि प्रेरक के वास्तव में प्रकार कितने होते हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप यूपी टेट की क्लास की तैयारी कर रहे हैं बेटा, तो उसके लिए भी ये वीडियो आपके बहुत हेल्पफुल होगा। पूछा जाएगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोटिव्स, यानी कि मोटिव्स के प्रकार कितने होते हैं। तो हमेशा याद रखना बेटा कि मोटिव के दो प्रकार होते हैं, आपका जो चालक होता है इसके दो प्रकार होते हैं। एक को हम क्या कहते हैं, एक को कहा जाता है जन्मजात, क्या कहते हैं जन्मजात, और दूसरे को क्या कहते हैं, दूसरे को अर्जित कहते हैं। मैं एक चीज़ यहाँ और स्पष्ट कर दूँ, अगर आपसे पूछ लिया जाए यहाँ पर बेटा कि चलिए बताइए कि मैस्लो के अनुसार कितने प्रकार के प्रेरक होते हैं। मैस्लो का नाम तो सुना होगा, नहीं सुना है तो जान लीजिए इनका पूरा नाम अब्राहम मैस्लो। क्या नाम है, पूरा नाम अब्राहम मैस्लो। ये मैस्लो बताते हैं किसी भी अभिप्रेरणा के अंतर्गत या हम कह लें किसी भी व्यक्ति के अंदर दो प्रकार के प्रेरक पाए जाते हैं। ठीक, एक क्या होता है, एक आपके जन्मजात होते हैं, दूसरे आपके अर्जित होते हैं। सामान्य शब्दों में ये समझिएगा कि कोई भी ऐसी चीज़ जो जन्म के साथ आपके पास है, क्या, कोई भी ऐसी चीज़ जो जन्म के साथ आपके पास है और उसके प्रभाव में जब आप कार्य करते हैं, कार्य को जारी रखते हैं, कार्य को जारी रखते हैं, यानी कि जन्मजात चीज़ों के प्रभाव में अगर आप कार्य को जारी रखते हैं तो उनको हम क्या कहेंगे, जन्मजात अप्रेरक कहेंगे। चाहे इनको प्रेरक कहें बेटा, चाहे इनको आप ये भी कह सकते हैं, अभिप्रेरक कह सकते हैं। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। और दूसरा अर्जित, तो देखो यहाँ इसके डेफिनेशन में जन्म के बाद की, जन्म के बाद की कोई भी वस्तु, जन्म के बाद की कोई भी वस्तु, कोई भी घटना या कुछ भी जिसके प्रभाव में आप कार्य को जारी रखते हैं उसको हम क्या कहेंगे, अर्जित अप्रेरक कहेंगे। जन्मजात अर्जित समझ रहे होंगे, जन्मजात का मतलब कि जन्म से, जन्मजात का मतलब क्या, जन्म से, और अर्जित का मतलब क्या, जन्म के बाद, जन्म के बाद वातावरण से प्राप्त, जन्म के बाद वातावरण से प्राप्त। इतनी चीज समझ में आ गई। कभी भी आपसे अगर जन्मजात पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि जन्म से, और अगर अर्जित कहा जाएगा तो जन्म के बाद जो आपने वातावरण से प्राप्त किया, जो कुछ भी आपने वातावरण से प्राप्त किया वो सब क्या हो जाएगा, अर्जित। अगर मैस्लो की बात की जाए तो मैस्लो ये कहते बेटा कि भूख, क्या, भूख, प्यास, निद्रा, यौन क्रिया, ये सब क्या है, ये चीज़ें ऐसी हैं जो जन्म के साथ आपके अंदर विद्यमान थी जिनके प्रभाव में आप कार्य करते। जैसे अभी मैंने भूख का एग्जाम्पल दिया, अगर आपको भूख लगी है तो तब तक आप उस कार्य को जारी रखेंगे जब तक कि आपकी भूख शांत नहीं हो जाती। अदर हैंड अगर देखा जाए, अर्जित की बात की जाए तो यहाँ समझिएगा, जैसे कह लिया जाए पुरस्कार, क्या कहा जाए, पुरस्कार, हम कह दें दंड, कह दें प्रशंसा, जन्म के साथ आप प्रशंसा लेकर के नहीं आए थे, हम कह दें सम्मान, कह दें, क्या कह दें, सम्मान, हम कह दें कि यहाँ पर इज्जत की बात कर ली जाए, किसी की इज्जत की बात कर ली जाए, बात कर लें किसी के सामाजिकता की बात कर ली जाए, तो ये ऐसी चीज़ें हैं बेटा जिनको कि आपने जन्म के बाद प्राप्त किया है। तो आई होप कि आप ये समझ चुके होंगे कि प्रेरक क्या होता है और प्रेरक के प्रकार कितने होते हैं। अगर केवल ये क्वेश्चन पूछेगा कि प्रेरक कितने प्रकार का होता है तब भी आप दो बताएंगे, अगर पूछ लेगा कि अब्राहम मैस्लो के अनुसार कितने प्रकार के प्रेरक होते हैं तब भी आप दो बताएंगे, वही जन्मजात और अर्जित। अगर देखा जाए तो जन्मजात और अर्जित ही प्रेरक होते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से डिफाइन किया है। तो हम लोगों ने अब्राहम मैस्लो के अनुसार देख लिया, अब इसके बाद कुछ और मनोवैज्ञानिक हैं उनके अनुसार भी देख लेते हैं कि उनके अपने क्या विचार हैं, क्या वो अप्रेरक किसको मानते हैं। ठीक है, जिससे चीज़ें आपके लिए स्पष्ट रहें, बिल्कुल आप समझ सकें कि हाँ वास्तव में अप्रेरक क्या होते हैं और विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने इसको किस रूप में बांटा है, कैसे हम इसको पहचानेंगे। हमने मैस्लो की बात कर ली, अब हम बात करते हैं थॉमसन की। कुछ लोग ऐसे थॉमसन लिखते हैं और कुछ लोग ऐसे थॉमसन लिख देते हैं, ऐसे थॉमसन लिखते हैं। तो थॉमसन के अनुसार अगर बात की जाए तो थॉमसन बताते हैं कि दो प्रकार के प्रेरक होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। जैसा कि ठीक मैस्लो ने बताया था वैसे ही ठीक कौन बताता है, थॉमसन बताते हैं। थॉमसन के अनुसार एक क्या होता है, एक स्वाभाविक होते हैं, क्या होता है, एक स्वाभाविक होता है, दूसरा आपका कृत्रिम होता है। मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि जिसे थॉमसन स्वाभाविक कहते हैं मैस्लो ने इसी को जन्मजात कहा था, क्या कहा था, जन्मजात कहा था,
और जिसे ये कृत्रिम कहते हैं मैस्लो ने इसे ही अर्जित कहा था। अब आइए समझते हैं, स्वाभाविक का मतलब कि जो आपके स्वभाव में पाया जाए, जो आपके स्वभाव में पाया जाए। आपको याद होगा जब आपने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पढ़ा था पावलाव के अनुसार, तो वहां हमने आपको बताया था कि कुछ चीजें हैं जो स्वभावगत हमारे अंदर पाई जाती हैं, यानी कि जिनको हमें सिखाया नहीं गया फिर भी हम उनके विषय में जानते हैं, वो क्या है, वो स्वभावगत हैं। तो यहाँ थॉमसन कहते हैं कुछ ऐसे प्रेरक हैं जो स्वभाव से हमारे अंदर पाए जाते हैं, जिनके प्रभाव में हम कार्य को जारी रखते हैं, कभी सिखाया नहीं गया। लाइक क्या, जैसे भूख, प्यास, निद्रा, वही चीजें जिसको मैं कह रहा हूं कि जिसको मैस्लो ने जन्मजात कहा था उसी को थॉमसन ने क्या कहा, स्वाभाविक। और थॉमसन ने ये जो कृत्रिम वाला है इसको डिफाइन करते हुए लिखा कि स्वाभाविक अभिप्रेरकों के स्थान पर, क्या, स्वाभाविक अभिप्रेरकों के स्थान पर, स्वाभाविक अभिप्रेरकों के स्थान पर जो अभिप्रेरक प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कृत्रिम प्रेरक कहते हैं। अब आप समझिए, अर्जित में हमने वहां पर क्या क्या पढ़ा, सबसे सटीक उदाहरण है आपके कृत्रिम का या अर्जित का, वो क्या है, पुरस्कार एवं दंड है। क्या है, पुरस्कार एवं दंड है। ये क्या है, कृत्रिम है। वास्तव में आपको पता होगा कि पुरस्कार दिए जाने का मतलब है कि किसी वांछित व्यवहार को बढ़ाना, क्या, वांछित व्यवहार को बढ़ाना। पुरस्कार इसीलिए दिया जाता ना कि जैसे बालक का वांछित व्यवहार बढ़ जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसको कृत्रिम आपने क्यों कहा, कह रहे हैं कि स्वाभाविक प्रेरक के स्थान पर। तो जैसे कभी कभी हम कार्य किस लिए करते हैं, अपनी इच्छा के अनुरूप करते हैं, है ना, हमारी रुचि होती है, क्या होती है, इच्छा होती है, रुचि होती है। अगर इच्छा और रुचि है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कह लेंगे कि ये स्वाभाविक है। क्या है, ये स्वाभाविक है। अगर आपकी इच्छा और रुचि खत्म हो गई है तो आपकी रुचि को बढ़ाने के लिए आपको पुरस्कार देने की बात की जाती है कि बेटा इस काम को कर लो तो आपको पुरस्कार देंगे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी रुचि के स्थान पर किसको प्रयोग में लाया गया, पुरस्कार को प्रयोग में लाया गया, इसीलिए इसको क्या कहा गया, कृत्रिम कहा गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप थॉमसन को भी समझ चुके होंगे जो स्वाभाविक और कृत्रिम प्रकार के अप्रेरकों की बात करते हैं। इसके बाद एक और प्रकार के आप एक और मनोवैज्ञानिक है आपके, उनके विषय में चर्चा कर लेता हूं। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो गैरेट महोदय का नाम आता है। गैरेट महोदय जो बताते हैं वो तीन प्रकार के अभिप्रेरक की बात करते हैं। कितने प्रकार के, गैरेट महोदय ये बताते हैं कि जो अभिप्रेरक होते हैं हमारे अंदर वो तीन प्रकार के पाए जाते हैं, यानी कि जिन कार्यों को जीवन में हम जितने भी कार्य हैं उसको क्यों जारी रखते हैं। तो गैरेट महोदय बताते हैं कि जो हमारे अंदर तीन प्रकार के अभिप्रेरक पाए जाते हैं, कौन कौन से, एक को उन्होंने क्या कहा, एक उनका जैविक अभिप्रेरक। कैसे, जैविक, मैं नाम लिख दे रहा हूं यहां, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, गैरेट के अनुसार। किसके अनुसार, गैरेट के अनुसार। इन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले जैविक पाए जाते हैं, फिर हमारे अंदर क्या पाए जाते हैं, हमारे अंदर सामाजिक पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, सामाजिक पाए जाते हैं, और तीसरा इन्होंने कहा कि हमारे अंदर मनोवैज्ञानिक पाए जाते हैं। मनोवैज्ञानिक नहीं पाए जाते हैं, मनोवैज्ञानिक प्रेरक पाए जाते हैं। नहीं, आप समझिए कि मनोवैज्ञानिक इन्हीं के अंदर पाए जाते हैं। ठीक, यहाँ जैविक प्रेरक पाए जाते हैं, यहाँ सामाजिक प्रेरक पाए जाते हैं। अब देखिए जैविक में किस प्रेरक की बात इन्होंने की, जो अभी तक आप मैस्लो के अनुसार जन्मजात पढ़ते आए थे, जिसको कि आपने थॉमसन के अनुसार स्वाभाविक पढ़ा था, उसी को उन्होंने क्या नाम दिया, जैविक नाम दे दिया। और सामाजिक प्रेरक में जिसको कि आपने मैस्लो के अनुसार अर्जित पढ़ा था, क्या पढ़ा था, अर्जित पढ़ा था, जिसको कि आपने थॉमसन के अनुसार क्या पढ़ा था, कृत्रिम पढ़ा था, उसको उन्होंने क्या नाम दिया, उसको उन्होंने सामाजिक नाम दिया। और तीसरा इन्होंने मनोवैज्ञानिक प्रेरक जो बताया, इसके अंदर समस्त प्रकार के संवेगों का उल्लेख करते हैं। ठीक, समस्त प्रकार के संवेगों का उल्लेख करते हैं। तो मैं यहां दोबारा डिफाइन नहीं करना चाहूंगा कि जन्मजात या स्वाभाविक में क्यों, क्योंकि अभी इसी वीडियो में पीछे आप लोगों ने पढ़ा है। लेकिन फाइनली आप एक चीज याद रखिएगा, अगर आपसे कुछ कोई पूछ लेता है कि प्रेरक के कितने प्रकार है, तो हमेशा बताना बेटा कि दो प्रकार। कितने, दो प्रकार। यही दो प्रकार आपके मैस्लो भी बताते हैं, और यही दो प्रकार आपके कौन बताता है, थॉमसन भी बताते हैं। ठीक, और यही आपके उभयनिष्ठ हैं, यही आपका पीएनपी या जो भी हमारे यहाँ परीक्षा कराने वाली संस्थाएं वो मानते हैं कि व्यक्ति के अंदर दो ही प्रकार के प्रेरक पाए जाते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि ये वीडियो हम लोग YouTube के साथ भी साझा करें, तो अगर आप YouTube पे इस वीडियो को देख पा रहे हैं, क्योंकि हमारी निजता है,
कि हम ऐप पे केवल इस वीडियो को देते हैं या यूट्यूब पे भी देते हैं। अगर आप यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि हमारे संस्थान के द्वारा संचालित किए जाने वाले जो भी कोर्सेज हैं जो हमारे ऐप पे उपलब्ध हैं उनका आप लाभ लेना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर, बस थोड़ा सा समय लूंगा। आप देखिए यहाँ पर हमारे यहाँ इंडिविजुअल मैथ की क्लास चल रही है, इंडिविजुअल मैथ की क्लास चल रही है, इसको आप बाई कर सकते हैं। कहाँ से बाई करेंगे? इसके लिए आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, ठीक है, कौन से प्ले स्टोर पर? गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे। आप सोच रहे होंगे गूगल प्ले स्टोर पर कैसे जाएंगे? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कहाँ पर? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक को फॉलो कीजिएगा, आप प्ले स्टोर जाएंगे, वहां पे आपको क्या मिलेगा? वहां आपको उत्कृष्ट ऐप मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? उत्कृष्ट ऐप मिलेगा। इसको क्या करना है? इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है, उत्कृष्ट ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है? जो भी मोबाइल नंबर आपका, वो मोबाइल नंबर डाल के खुद को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको कई सारे कोर्सेज दिखेंगे, लाइक इंडिविजुअल मैथ का कोर्स दिखेगा। यहां पर आपको सीटेट का प्रैक्टिस बैच भी मिलेगा। क्या मिलेगा? सीटेट का प्रैक्टिस बैच मिलेगा। यहाँ पर आपको लाइफ स्किल ठीक है, टीचिंग स्किल, और इसके साथ साथ चाइल्ड साइकोलॉजी, इनका जो संयुक्त पैकेज है वो भी आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगा। ये सुपर टेट के लिए है, आप इसका लाभ ले सकते हैं। इंडिविजुअल मैथ चाहे आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो इसके लिए भी है, सुपर टेट के लिए भी है, या आप वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसको भी कवर कर रहे हैं हमारे बिजनेस, ठीक है। ये सीटेट का जो प्रैक्टिस बैच है ये केवल और केवल चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागॉजी की है, ठीक है। तो ये आप ले सकते हैं, बाकी अगर नहीं ले सकते हैं तब भी कोई समस्या नहीं, संस्थान का नंबर है 74588-24123, वहाँ पे आप सूचित कर दीजिए कि हमारे साथ ये समस्या है। हम लोगों का प्रयास है कि पैसे के अभाव में कोई भी बच्चा पढ़ने से वंचित नहीं रह जाएगा, बस आपको हमारे साथ अपनी जानकारी को साझा करना होगा, बाकी हम लोग आप सबके लिए सदैव तत्पर हैं। अगर आप इतने में ही संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जो भी पढ़ने वाले उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। बहुत जल्द आप सबसे एक नए वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।